हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्य करियर अकेडमी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 1 और 2 का क्वेश्चन देखेंगे, जीएस और जीके का। और अगर अभी तक आप मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट हो तो आपको वीडियो मिलता रहे। देखिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दिया हुआ होगा एग्जाम एंड रिजल्ट का। आप एग्जाम एंड रिजल्ट पर जाकर यहाँ पर टेस्ट ले सकते हैं। देखिए, 249 में आपको 40 मॉक टेस्ट मिल जाएगा और साथ में आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा 20 सेट, तो टोटल 60 सेट आपको 249 में मिलेगा। और अगर आप 599 का लेते हैं तो इसमें रेलवे का जितना भी एग्जाम है सबका आपका फ्री हो जाएगा 599 में, जिसमें एनटीपीसी का 60 टेस्ट होगा लगभग, आपको ग्रुप डी का 60 टेस्ट होगा, एएलपी का होगा, आरआरबी जेई का होगा, तो ये सारा आपको 599 में मिल जाएगा। और देखिए, यहाँ पर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐप डाउनलोड कीजिएगा तो यहाँ पर आपको क्विज है जो कि जो क्वेश्चन हम लोग प्रोवाइड किए हैं, 25-25 क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है हर डे लगभग, तो ये क्वेश्चन जो रेलवे का प्रीवियस ईयर है उसी सब का क्वेश्चन प्रोवाइड किया है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सीएम का भी यहाँ पर क्विज है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन 110% आ रहा है। अगर आप सीएम का करते हैं तो नीचे सॉल्यूशन जब आप देखोगे सबमिट करने के बाद टेस्ट, तो उसमें गवर्नर कैपिटल ये सब कुछ डिटेल में आपको स्टेट के बारे में पता चलेगा। तो देखिए, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए और क्विज देते रहिए। और चलिए अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन आसानी क्वेश्चन आया है ज्यादा। सेकेंड 5 ईयर प्लान किसके द्वारा दिया गया था, पीसी के द्वारा दिया गया था। देखिए, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है एक शिफ्ट में, सेकेंड 5 ईयर प्लान के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, इकोनॉमिक्स और परफॉर्मेंस बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो जेसी कुमारप्पा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रकांता का राइटर पूछा गया है तो देविकानंद खत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। संथाल रिवोल्ट पूछा गया, तो संथाल रिवोल्ट आपको पता है कि संथाल एक प्रजाति है जो कि जीव मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, जनजाति है, प्रजाति नहीं जनजाति है, जो कि झारखंड में पाया जाता है, झारखंड में मिलते हैं लोग जैसे कि जंगल वंगल में रहते हैं। तो संथाल का रिवोल्ट जो हुआ था वो 1855 और 1856 के बीच में हुआ था, ठीक है। पूना पैक्ट पूछा गया था कि किसके किसके बीच में हुआ था, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच में हुआ है। और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज फॉर द डाटा शेयरिंग, तो डाटा शेयरिंग के लिए कौन सा यूज होता है। चार ऑप्शन होगा, ऑप्शन के अनुसार आप आराम से इस क्वेश्चन को मार सकते हैं, कंप्यूटर का क्वेश्चन था। बोकारो स्टील प्लांट जो बना है वो किसके कोलोबोरेशन के साथ बना है, तो सोवियत यूनियन के साथ बना है। टायरिक एसिड जो है वो टूटता है तो किस पे टूटता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक यूनिट पूछा गया है किडनी का, तो किडनी का नेफ्रॉन होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10 है कि शिमला एग्रीमेंट जो 1972 में हुआ था किसके किसके बीच में हुआ था, इंदिरा गांधी और भुट्टो के बीच में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर अप्सरा जो कि 1956 में मतलब कि उसको लाया गया था बना था, वो कौन से स्टेट में बना था, महाराष्ट्र मुंबई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन करंट का पूछा गया 2019 का, एशियन गेम रनर के बारे में पूछा गया है। इको फ्रेंडली रॉकेट जो लॉन्च किया गया एलिसा वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, नासा के द्वारा, 2019 का करंट है ये, तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप रिलेटेड टू ग्रीन रेवोल्यूशन, तो चार क्रॉप था उसमें से चुनना था कि कौन सा क्रॉप जो ग्रीन रेवोल्यूशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी कब स्टेब्लिश हुआ था, 1957 में। टीन प्लस लीड का बताया था कि क्या होगा, तो शोल्डर उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टडी ऑफ किडनी पूछा गया था, तो नेफ्रोलॉजी उसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, देखिए जो खेत होता है उसमें नाइट्रोजन को बढ़ाने के लिए कौन सा क्रॉप को बोया जाता है, तो दलहन बोया जाता है, पल्सेस और सीरियल क्रॉप बोया जाता है। अर्थ समिट का दूसरा नाम क्या है, तो रियो समिट इसका करेक्ट आंसर है। ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था भारत में, 1600 ईस्वी में आया था। रीजनल कनेक्टिविटी जो स्कीम लाया गया है उसका दूसरा नाम क्या है, तो उड़ान उसका दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, व्हेन ऑक्सीजन मतलब कि जब मसल मसल्स मांसपेशिया होता है उसमें मांसपेशियों में जब ऑक्सीजन का मात्रा घटता है तो कौन ऐसी लिबरेट कौन सा अम्ल निकलता है, तो वो होगा लैक्टिक एसिड निकलता है। येलो रिवोल्यूशन पूछा गया था, तो ये सरसों जो होता है मस्टर्ड ऑयल उससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामाख्या टेम्पल जो है वो किससे, कामाख्या टेम्पल कहाँ पर है, तो आसाम में। वार्ली पेंटिंग के बारे में पूछा गया, तो वार्ली पेंटिंग कहाँ पर है, महाराष्ट्र में, ठीक है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया वार्ली पेंटिंग वाला। कल देखिए, कल कल्पक्कम पावर
स्टेशन जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन वो कहाँ पर है, ये भी रिपीट हुआ, तमिलनाडु में है। तानसेन कौन से सैनिक का गाना गाते थे, तो ध्रुपद शैली का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज मैक्सिमम ग्राउंड वाटर फॉर कल्टीवेशन, तो उत्तर प्रदेश इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर ऑप्शन में होगा तो। सबसे कम यूज होता है राजस्थान में, क्योंकि ग्राउंड वाटर का वहां पर है ही नहीं, मतलब इन द सेंस मिलता नहीं है जल्दी, तो अगर उत्तर प्रदेश होगा तो उत्तर प्रदेश आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा गया कि कोरोटिया एक देश है, आपको पता है कोरोटिया जो है अपने रामनाथ गोविंद को सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड अपना दिया है, वो कौन सा अवार्ड है, द ग्रांड ऑर्डर ऑफ द किंग ऑफ टोमिस्लाव, ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पर लोकेटेड है, तो त्रिवेंद्रपुरम केरल में। पॉल्यूटेड सिटी 2018 का सबसे, वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड सिटी गाजियाबाद था, इंडिया का, वर्ल्ड का सबसे पॉल्यूटेड था और इंडिया में भी ऑब्वियस वही होगा। देखिए कैप्टन जो हॉकी टीम के 2020 में कौन बने थे अक्टूबर के महीना में, तो मनप्रीत सिंह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लुईस पेस्टर क्या डिस्कवर किया, तो वैक्सीनेशन का डिस्कवर किए हैं, अगर पेंसिलिन होगा तो पेंसिलिन आंसर हो सकता है। प्लांट डिवाइड कितने पार्ट में, तो डब्ल्यू विल्सर एक साइंटिस्ट है, उनके द्वारा बोला गया था कि 5 पार्ट में उसको बांटा गया, अगर 5 आंसर होगा ऑप्शन होगा तो वो आंसर होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज किसको मॉनिटर करता है, तो सीबी जो है वो मॉनिटर करता है सिक्योरिटी एक्सचेंज को। मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है सिक्योरिटी एक्सचेंज, जैसे हो गया आपको निफ्टी उफ्टी जो हो गया, वो किसके द्वारा मॉनिटर होता है, जितना भी ट्रांजेक्शन होता है वो सीबी के द्वारा, मतलब कि उसको मॉनिटर किया जाता है। फाइनेंशियल पॉलिसी से 2 क्वेश्चन आया था। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो कि 5 सितंबर 1920 को हुआ था, वो किसके द्वारा, तो महात्मा गांधी, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलर बेसिस पे इससे क्वेश्चन पूछा गया है। कोबाल का फुल फॉर्म पूछा गया, अगर आप 2 दिन के पहले का वीडियो देखे होंगे तो ये सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कोबाल का फुल फॉर्म, तो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज रिपीट हो गया। जनधन योजना से पूछा गया कि कौन लॉन्च किया है, तो देखिए ये पहले पूछा गया था कब लॉन्च हुआ, अब पूछा गया कौन लॉन्च किया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका करेक्ट आंसर किया है। चलिए चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितने लोग एटलीस्ट देखते हैं वीडियो वो लाइव जरूर किया कीजिए। चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।